हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग मैथ इज फन विद शालिनी। तो हमारा ग्रेड 9 के सैंपल पेपर के बाद आज नंबर है ग्रेड 10 के सैंपल पेपर का। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ इस वीडियो को अपलोड करने के लिए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हर वीक में एक वीडियो अपलोड करूंगी, बट आई एम सॉरी, किसी रीजन की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कोशिश करूंगी कि हर हफ्ते नए टॉपिक पर नई ट्रिक्स के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आऊं, बट उसके लिए जरूरी है कि आप प्लीज मेरा हौसला बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, इतने सारे व्यूअर्स हैं मुझे देखने वाले, जिनके लिए मुझे कैसे भी टाइम निकाल कर वीडियो बनाना ही है। तो चलिए आज का वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के सैंपल पेपर में हमारे लिए क्या नया है। सो लेट्स स्टार्ट। तो लॉजिकल रीजनिंग से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, सैंपल पेपर सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो SOF है, उन्होंने ये सैंपल पेपर जो है वो प्रोवाइड करवाया हुआ है। मैंने इसे अपने मन से नहीं बनाया है और मुझे समझ नहीं आता है कि ये किस लेवल के 10th ग्रेडर्स का क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा इजी है, और इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल भी ओलंपियाड में नहीं आते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं। तो ये जो सैंपल पेपर इस बार प्रोवाइड कराया गया है, ये मुझे बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं लगता है क्लास 10th के हिसाब से, बट ठीक है, अगर दिया है तो हम इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन प्लीज आप अपनी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी सेट ना करें। क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो इससे थोड़ा ऊपर ही होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉजिकल रीजनिंग से, इफ प्लस मींस डिवाइड, डिवाइड मींस माइनस, माइनस मींस मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मींस एडिशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 12 प्लस 6 डिवाइड 3 माइनस 2 इंटू 8। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जो भी साइन हमको यहाँ पर दिए हुए हैं उन सबको हमें चेंज करना है, ठीक है। और कैसे चेंज करना है, जो हमको यहाँ ऊपर जो दिए हुए हैं ना, कि प्लस का मतलब है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है माइनस, उसके साथ हमें यहाँ पर चेंज करना है। तो इसे हम रीअरेंज कर लेते हैं, प्लस मतलब डिवाइड, ओके, डिवाइड मींस सब्ट्रैक्शन, ओके, एंड सब्ट्रैक्शन मींस मल्टीप्लीकेशन 2, एंड मल्टीप्लीकेशन मींस एडिशन 8, ओके। अब तो सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 8, ओके, 2 माइनस 6 इज माइनस 4, एंड माइनस 4 प्लस 8 इज 4, सो 4 इज इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस इजिएस्ट क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ मैनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड, ईच ऑफ विच हैज एज मैनी लेटर्स बिटवीन दैम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब यहाँ पे जो आपको वर्ड दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट, सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, ओके। तो अब हमको बोला क्या है कि ऐसे कितने जो हैं वो कॉम्बिनेशन है जिसमें वर्ड्स का जो डिफरेंस है वो उतना ही हो जितना कि एक्चुअली ए टू जी अल्फाबेट में होता है। जैसे ए के बाद अगर हम यहाँ पे देखें, ए के बाद बी सी अगर एक और अल्फाबेट होता ना, तो वो डी हो जाता और फिर ई तो यहाँ पर आ ही रहा था, ठीक है, तो ये एक पेयर बन जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो अब हमारे पास देखो फर्स्ट पेयर क्या है, आई, यहाँ पर देखो आप आई आई, फिर यहाँ पर एक्चुअली अल्फाबेट सीरीज में क्या होता है, जे के एल एम और ये आ गया एन, है ना। तो आई से एन तक एक हमारा पेयर बन गया है, जो एक्चुअली अल्फाबेट में भी ऐसे ही होता है, इतने ही अल्फाबेट्स होते हैं ओरिजिनल हमारी सीरीज में भी, ठीक। तो ये हमारा एक पेयर हो गया। सेकेंड पेयर कौन सा हमारा, ओके, सेकेंड पेयर है हमारे पास डी टू एन, देखो यहां पर डी E, F, G, H, I, J, K, L, M और ये आ गया N. So D से N के बीच में उतने ही अल्फाबेट हैं जितने हमारे ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं, राइट। उसके बाद हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन है M से लेके R, देखो अब हम उल्टा जाएंगे, यहां से M, N, O, P, Q और ये आ गया R, इन दोनों के बीच में भी उतना ही गैप है, ठीक। तो ये हो गया M से लेकर R तक। फिर है हमारे पास I से लेकर E तक, ठीक है, E से लेकर I तक, E,
एफ जी एच आई, तो ये वाला आई और ये वाले ई के बीच में उतना ही डिफरेंस है जितना ओरिजिनल सीरीज में होता है, राइट? एंड द लास्ट विच आई कैन फाइंड आउट इज डी टू आई. देखो डी, मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि हमको थोड़ा सा इजी रहेगा फिर समझने में. तो ये है हमारे पास डी ई एफ जी एच और ये रहा फिर से आई. तो डी और आई के बीच में भी उतने ही कॉम्बिनेशन है जितने हमारे एक्चुअली अल्फाबेट में होते हैं. और लास्ट पेयर जो मैं यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व किया है वो है टी से लेकर एन, एन से लेकर टी तक, ठीक है? तो अब देखो एन ये रहा हमारे पास, इसको अब की बार में येलो ले लेती हूँ. तो ये है मेरे पास एन ओ पी क्यू आर एस और ये आ गया टी, राइट? सो एन से लेकर टी तक हमारे पास एक और पेयर अब बन चुका है. सो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो गए हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. 6 है क्या हमारे पास ऑप्शन में? नहीं है ना. देखो 3 है, 4 है, 5 है और मोर देन 5 है. तो आप मोर देन 5 पर टिक कर सकते हैं बिकॉज 6 का ऑप्शन नहीं है, बट 6 होता तो 5 से ज्यादा है. तो हम सेकेंड का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी. नाउ द लॉजिकल रीजनिंग से हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वेन डायग्राम फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच बेस्ट इलुस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप अमंगस्ट टीचर मेल एंड प्लेयर. तो हमको ऐसा वेन डायग्राम बनाना है जो ये तीनों जो हमको वर्ड्स दिए हुए हैं उसका एक्चुअली मीनिंग डिफाइन करे. तो देखो अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो अगर हम इसको टीचर मानते हैं, बड़े वाले सर्कल को अगर हम टीचर मानते हैं फर्स्ट वाले में, तो जो अंदर है इसको मेल या फिर प्लेयर मान सकते हो और नेक्स्ट वाले को भी आप मेल या प्लेयर में से एक कोई मान सकते हो, ठीक है? तो ये जरूरी नहीं है कि जितने भी टीचर्स हैं वो सारे मेल हो और जितने भी मेल्स हैं वो सारे प्लेयर ही हो, राइट? तो ये कॉम्बिनेशन हमारा जो है वो रॉन्ग है, इसको हम नहीं ले सकते. बी ऑप्शन में अगर हम बड़े वाले सर्कल को मेल माने या टीचर माने, आप जो भी माने, तो अंदर वाले जो है, सपोज करो ये मेल है पूरा, तो क्या सारे मेल जो है वो टीचर ही होते हैं या प्लेयर ही होते हैं? उसके अलावा कुछ नहीं हो सकते. तो ये ऑप्शन भी हमको नहीं लेना है वेन डायग्राम का. तीनों जो नंबर, ये जो तीनों नाम है टीचर मेल और प्लेयर, ये इंडिविजुअल आइडेंटिटीज हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं बट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है. तो हम ये कोई भी डिपेंड वाला वेन डायग्राम हम इसके अंदर नहीं ले सकते हैं, राइट? तो अब ये जो सी वाला ऑप्शन है, देखो ये मुझे सबसे ज्यादा सुटेबल लग रहा है क्योंकि अगर कोई मेल है तो वो प्लेयर भी हो सकता है और वो टीचर भी हो सकता है, राइट? और ये जो बीच का है ना कॉलम, इसमें ये होता है कि कोई मेल है जो टीचर और प्लेयर दोनों है तो वो भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट? कोई हो जो मेल टीचर हो वो मेल भी हो और एक प्लेयर भी हो, राइट? तो इस तरह का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. तो हमारा जो वेन डायग्राम सी है वो मोस्ट एक्यूरेट मुझे लग रहा है क्योंकि डी में तो आप देखो एक पार्ट जो है वो बिल्कुल ही अलग है, फिर चाहे आप उसे टीचर मान लो, मेल मान लो या प्लेयर मान लो, क्योंकि अगर कोई टीचर है तो मेल और प्लेयर दोनों ही हो सकता है, भाई आपने इसको अलग क्यों कर दिया? तो डी ऑप्शन तो नहीं है. तो सी ऑप्शन जो है वो मुझे इसमें मोर एक्यूरेट लग रहा है. आप मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा ऑब्जर्वेशन सही है या नहीं. अगर आपको कोई और आंसर इसमें करेक्ट लगता है तो आप मुझे प्लीज करेक्ट कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन. सो द मैथमेटिकल रीजनिंग से हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द सम्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक सीरीज आर इन द रेशियो ऑफ 7n+1 4:4n+27. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या है, हमको रेशियो दिया हुआ है अर्थमेटिक सीरीज के सम का, ठीक? और हमको उनके 11th टर्म का रेशियो निकालना है. तो कोई भी चीज निकालनी हो, चाहे सम निकालना हो या फिर 11th टर्म निकालनी हो, दोनों के लिए ही हमको फर्स्ट टर्म यानी कि ए और हमें उसका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी दोनों ही पता होना बहुत जरूरी है. तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो दो अर्थमेटिक सीरीज में से फर्स्ट सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म है A1 और उसका डिफरेंस है D1. सिमिलरली सेकेंड सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो है A2 और जो उसका कॉमन डिफरेंस है वो है D2, राइट? तो
समवन यानी कि एस वन क्या होगा हमारा, सम का क्या फॉर्मूला होता है, एन बाय टू राइट, ए वन प्लस ये हमारा होता है टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन राइट। सिमिलरली एस टू हमारा क्या होगा, एन बाय टू टू ए टू प्लस एन माइनस वन डी टू राइट। यही होता हमारे पास सम का फॉर्मूला, लेकिन हमको एस वन अपॉन एस टू जो है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमको, सेवन एन प्लस वन बाय फोर एन प्लस 27, ये रेशियो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, और एस वन और एस टू की वैल्यू हमने अभी अभी यहाँ पर निकाली है, तो ये दोनों हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा एन बाय टू टू ए प्लस वन प्लस एन माइनस वन डी वन डिवाइडेड बाय एन बाय टू टू ए टू प्लस एन माइनस वन डी टू। सो ये एन बाय टू से एन बाय टू हमारे पास हो जाएगा कैंसिल, और ये जो हमारे पास बचेगा ये अब बचेगा टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी वन डिवाइडेड बाय टू ए टू प्लस एन माइनस वन डी टू इक्वल्स टू सेवन एन प्लस वन बाय फोर एन प्लस 27। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, यहां तक हमको समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब देखो टर्म्स कैसे निकालते हैं। अगर हमको किसी की nth टर्म निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी राइट, यही फॉर्मूला होता है। तो हमको nth टर्म निकालनी है हमारी फर्स्ट अर्थमेटिक सीरीज की, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए वन प्लस एन माइनस वन डी वन, और दूसरे का क्या होगा, ए टू प्लस एन माइनस वन डी टू राइट, क्योंकि हमको क्या है इलेवेंथ टर्म का हमको यहाँ पर निकालना है रेशियो, तो हम nth टर्म का मान लेते हैं कि ये है रेशियो, ए वन प्लस एन माइनस वन डी वन एंड ए टू प्लस एन माइनस वन डी टू, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन टू। और अब मैं यहां से ये जो हमने लिखा हुआ है ऊपर इस पार्ट को मैं इरेज करने वाली हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप इसे नोट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है तो मुझे इसको ऊपर वाले पार्ट को इरेज करना पड़ेगा। अब देखो अगर हम इक्वेशन वन में हम टू एन माइनस वन एन की जगह पर हम रख दें वैल्यू टू एन माइनस वन, क्योंकि हमको क्या है ये a में से 2 हटाना है, यहाँ पे जो आप ये इक्वेशन 1 देख रहे हो ना, a में से हम इस 2 को हटाना चाह रहे हैं और n माइनस वन डी वन हमको यहाँ पर चाहिए, तो हम वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम उस a को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह पर हम रखेंगे 2n माइनस वन। ठीक है, 2n माइनस वन हम यहाँ पर n की जगह पर रख देते हैं, n की जगह पर हम रखते हैं 2n माइनस वन इन इक्वेशन 1। ठीक, तो इक्वेशन वन में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a1 प्लस 2n माइनस वन माइनस वन डी वन बाय 2a2 प्लस 2n माइनस वन माइनस वन डी टू, और इक्वल टू में हमारे पास रेशियो जो है वो है ही, वो मैं यहां पर अभी लिख नहीं रही हूं, तो रेशियो तो यहां पर है ही। ठीक, अब यहां से देखो 2n माइनस वन माइनस वन विल बी माइनस टू, टू एन माइनस टू टू एन माइनस टू, तो पूरा टू जो है हम वो बाहर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा ए वन प्लस टू एन माइनस ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन अपॉन टू ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू। ठीक है, और इस तरफ रेशियो तो हमारा है ही, टू से टू कैंसिल। अब ये जो वैल्यू है पूरी ये हमारी क्या हो गई है, ये हमारी टर्म की वैल्यू हो गई है, टर्म की वैल्यू हो गई है ना इक्वेशन नंबर टू में, सेम चीज आ गई, हमको यही चाहिए थी, और इस तरफ हमारा रेशियो है ही। मैं यहाँ पे नीचे वाला पार्ट भी इरेज कर रही हूँ, आप प्लीज नोट करते जाना जो भी है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हो गई है nth टर्म, लेकिन हमको n इक्वल्स टू क्या चाहिए, 11th टर्म है ना, n इक्वल्स टू हमको 11 चाहिए ना, तो ये हमको 11th टर्म का रेशियो है, और 11th टर्म का रेशियो जो है वो हमारे इस रेशियो के बराबर है, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया
हमने यहाँ पे 2n-1 की जगह पे प्रूफ कर दिया कि ये जो है वो 11th टर्म के बराबर हो गया, तो ये रेशियो भी आएगा उस तरफ, यहाँ पे दूसरी तरफ हमारा रेशियो भी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे वैल्यू, जगह पर भी हमको n की जगह पे 2n-1 रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस तरफ तो रख दिया था, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया था, राइट हैंड साइड भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 2n-1+1 डिवाइडेड बाय 4 2n-1+27, ठीक है, तो ये हो जाएगा 14n-7+1 बाय 8n-4+27, ठीक। अब ये हमारे पास हो जाएगा 14 की जगह 14n-6 बाय 8n+23। ओके, तो ये अब हम क्या है, राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी हम 2n की जगह पे 2n-1 जो है वो रख चुके हैं, और हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके उसको 11th टर्म के बराबर, nth टर्म के बराबर हम ले आए थे। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, रेशियो की जगह पर भी हमने रखा है, तो ये हमारे पास हो गया 14n-6 डिवाइडेड बाय 8n+23, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, n इक्वल्स टू 11th टर्म हमको दिया हुआ है, ठीक है। ये जो रेशियो है ये हम 11th टर्म का रेशियो निकाल रहे हैं, बट हमको n की जगह पे क्या पुट करना है, 11। सो 14 × 11-6 बाय 8 × 11+23, सो ये हो जाएगा हमारे पास 144-6, सॉरी 154-6 डिवाइडेड बाय 88+23, सो 154-6 इज 148, और ये हो जाएगा हमारे पास 111। ये दोनों हमारे पास हो जाएंगे डिवाइड 37 से, 37 थ्री जा एंड 37 फोर जा, सो 4:3, 4:3 का रेशियो हमको मिल जाएगा 11th टर्म के लिए, विच इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखकर हमको लगा था कि हाँ भाई थोड़ा सा 10th के लेवल का क्वेश्चन है, अदरवाइज जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो तो बहुत ही ज्यादा ईजी थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 3 points 1-2, 3-4 and 4-7 फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम हमारे प्लेन पर देखें तो ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, वाई एक्सिस एंड वाई डैश, और ये है हमारे पास ओरिजिन, राइट। तो हमारे पास चाहिए हमको पॉइंट 1, 2, 3, यहाँ पे भी देख लेते हैं 1, 2, 3, ओके। तो यहाँ पे हमको चाहिए 1 and -2, तो अगर 1 यहाँ पे लिया तो -2 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। देन 3 and 4, सो 3 यहाँ पे लिया तो 4 यहाँ पे आएगा ऊपर, तो ये भी एक हमारे पास पॉइंट हो गया, ठीक। एंड नेक्स्ट इज 4 and 7, तो 4 यहाँ पे लिया तो 7 और इसके ऊपर टॉप पे कहीं आएगा, तो यहाँ पे, तो ये बोल रहे हैं कि जो तीनों पॉइंट्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो हाँ जी बनाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है ऊपर, लेकिन आप बना के देखोगे तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन ही बना रहे हैं, ठीक। तो यहां से बनेगा, सॉरी गलत जगह से बना दिया मैंने, ये वाला स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये पूरा इस पॉइंट से होके जाएगा, ठीक। तो ए पॉइंट जो है हमारा वो ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास बी, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल्स टू बी, ओके, बी पॉइंट है, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल्स टू बी, यानी कि अगर कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, चाहे इस तरफ ड्रॉ कर रहे हैं चाहे इस तरफ ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेट्स से बी होगी, तो डेफिनेटली ये y के किसी ना किसी पॉइंट से होकर ये x एक्सिस के पैरेलल जो है वो एक लाइन जाएगी, तो ये स्टेटमेंट भी जो हमारा है वो ट्रू है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड पॉइंट है, द पॉइंट 3, 4 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 units फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन के जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं, राइट,
और हमको जो डिस्टेंस दी हुई है 3 और 4 दी हुई है, यानी कि x एक्सिस से डिस्टेंस 3 और y एक्सिस का पॉइंट जो है वो 4 दिया हुआ है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, x2 - x1² + y2 - y1² ठीक है, इससे हम निकालते हैं। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो 5 आनी चाहिए। ठीक, तो एक्स टू कितना है? एक्स टू है हमारे पास 3 - 0² + 4 - 0² सो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16 और दोनों का है एडिशन द रूट 25 एंड ऑप्शन इज 5। तो ये भी हमारा सही है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट इस केस में ट्रू है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम 1 to 120। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर चूजन बींग अ मल्टीपल ऑफ 3 और 15 बोथ इज, हमको कोई नंबर जो है वो 1 से लेकर 120 तक चूज करना है, और जो नंबर हम चूज करें वो 3 और 15 दोनों का ही मल्टीपल हो, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमको यहाँ पर बताना है। तो देखो, 3 के जो मल्टीपल्स होते हैं वो वैसे तो शुरू हो जाते हैं 3 से ही 3, 6, 9, 12, लेकिन हमको क्या लेना है कि जो भी मल्टीपल हो वो 15 के भी मल्टीपल हो। ठीक है, 3 और 15 के कॉमन मल्टीपल हो, तो 3 का हम मल्टीपल जो है वो 15 से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 5 15 से ही स्टार्ट करते हैं। देन नेक्स्ट इज, कौन सा मल्टीपल है जो दोनों में आएगा? देखो, 15 के बाद 18 है जो 15 में के मल्टीपल में नहीं आएगा, फिर 30 है जो दोनों में आएगा। ठीक है, आफ्टर दैट 45 जो है वो दोनों में आएगा, 3 में भी और 15 में भी। देन 60, देन 75, देन 90, दीज ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 और 15 बोथ। देन 105 एंड लास्ट 120, क्योंकि हमको 120 से ज्यादा नहीं लेना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से लेके 120 तक ही हमको लेना है। तो कितने नंबर्स ले लिए हमने? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सो टोटल जो हमारे पास नंबर्स हैं वो कितने हैं? 8। ठीक है, अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमको कैसे निकालेंगे? हम नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। टोटल नंबर कितने हैं? 1 से लेके 120 तक 120 नंबर्स ही होंगे। ठीक है, सो 8 बाय 120 जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो 8 बाय 120, सो इसको हम कट कर देंगे, 8 1 8 एंड 8 5 40। सो हमारे पास हो जाएगा 1 बाय 15। 1 बाय 15 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा था फैक्टर्स एंड मल्टीपल से। तो एवरीडे मैथमेटिक्स का हमारा 7th क्वेश्चन है, द एवरेज स्कोर ऑफ अ प्लेयर इन 10 इनिंग्स वाज 77 रन्स। अब देखो इस क्वेश्चन में जो है वो एवरेज हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। एवरेज स्कोर जो है वो कितना दिया हुआ है हमको? 77 रन्स का एवरेज स्कोर दिया हुआ है, और नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी दी हुई है? 10। ठीक, अभी तक हमको क्वेश्चन में यही समझ में आया है कि नंबर ऑफ इनिंग्स जो है वो हमको 10 है और एवरेज जो है वो 77 है। इन द 11th इनिंग ही हैड स्कोर्ड 0। द ओवरऑल एवरेज स्कोर इन ऑल द 11 इनिंग्स वाज, हमको पूरे 11 इनिंग्स का निकालना है। तो पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं? सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ इनिंग्स। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज, या हम उसको मीन भी बोल सकते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ रन्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स, राइट? ऐसे हम निकालते हैं एवरेज। सो एवरेज इज गिवन, 77 इस तरफ रख देते हैं, सम ऑफ रन्स हमको निकालना है और इनिंग्स जो है वो 10 है। तो सम ऑफ रन्स क्या हो जाएगा? 77 × 10 = 770। ठीक है, अब देखो, अब क्या बोल रहे हैं? एक इनिंग और उसने खेली, यानी कि अब जो है न्यू इनिंग्स कितनी हो गई है? नंबर ऑफ इनिंग्स अब हमारे पास हो गई है 11, क्योंकि उसने एक और इनिंग खेली और उस इनिंग में उसने क्या स्कोर किया? 0। तो अब नया जो एवरेज है वो हम कैसे निकालेंगे? सम ऑफ इनिंग्स, तो पहले हमने जो कितना निकाला है सम ऑफ इनिंग्स, 770, और नया एक और इनिंग का स्कोर
जीरो है और टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स 11. सो 770 डिवाइडेड बाय 11 इज नथिंग बट 70. सो 70 इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एट्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है. अ काइट इज फ्लोन विद अ थ्रेड ऑफ 250 मीटर लेंथ. इफ द थ्रेड इज अज्यूम्ड टू बी स्ट्रेच्ड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड इज. तो इसके लिए पहले तो हम बना लेते हैं एक छोटा सा फिगर. तो सपोज करो यहां से हम कोई काइट को उड़ा रहे हैं और ये जो डिस्टेंस है वो है हमारी 250 मीटर, ये हमारा थ्रेड है, ठीक है. ये नीचे है ग्राउंड, ग्राउंड के साथ थ्रेड जो एंगल बना रहा है वो है 60 डिग्री. तो हमको बताना है कि ये काइट जो है वो ग्राउंड से कितना डिस्टेंस ऊपर है, यानी कि हमको हाइट निकालना है, ठीक है. अब यहाँ पे देखो आप जो ये ट्राइंगल जैसा बन गया है इसमें ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये कहलाती है हमारी परपेंडिकुलर, है ना. ये नीचे वाली लाइन क्या है, बेस, और ये वाली लाइन क्या है हमारी, हाइपोटेनस, ठीक. तो अब हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमको इसमें बेस का काम तो है नहीं, ठीक. हमको नहीं बताना है कि ग्राउंड की लेंथ कितनी है या क्या, हमको बताना है कि ग्राउंड से काइट की हाइट कितनी है. तो हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये दोनों यूज हो जाए ऐसा फॉर्मूला लगाना है. तो हम साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज साइन का जो फॉर्मूला होता है उसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइट जो है वो हम ले सकते हैं. सो परपेंडिकुलर क्या है, हमने एच माना है, और जो हाइपोटेनस है वो है 250. साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, ये तो सबको पता है, एंड एच बाय 250. तो एच कितना हो जाएगा, रूट 3 इंटू 250/2, राइट. इससे 2 से ये हम 250 को कट कर देंगे, सो दिस विल बी 125. देखो रूट 3 की वैल्यू उन्होंने बोला है कि आप ये रख सकते हो 1.73, तो रख देते हैं भाई जब दी हुई है. तो ये हो गया हमारा 125 इंटू 1.73. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो द आंसर विल बी 216.50 मीटर, एंड दैट इज ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस easy question. Achiever section, the most important part of Olympiad. क्योंकि इसमें जो questions होते हैं वो 3 marks से कम के तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, तो हमको छोड़ना नहीं है, सारे ही questions हमको attempt करने हैं. So ninth question of Achiever section is, which of the following is incorrect? आपको यहाँ पर अलग-अलग जो हैं वो quadratic equations के पैरामीटर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि गलत क्या है. सो फर्स्ट इज फॉर k इक्वल्स टू 9/8 द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इक्वल्स टू 0 विल हैव द रियल एंड इक्वल रूट्स. रियल एंड इक्वल रूट्स का क्या मतलब है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है. ये हमारे पास कंडीशन होती है रियल एंड इक्वल रूट्स की. तो यहां पर देखो b क्या होता है, b इज द कोफिशियंट ऑफ x, ठीक है. तो हम फर्स्ट वाले पहले इक्वेशन को लेते हैं, b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशियंट 2, और c क्या है, k, लेकिन k की वैल्यू हमको देखो दी हुई है कितनी, 9/8. तो सॉल्व कर लेते हैं, देखो 2 4 8 एंड 4 4 कैंसिल एंड 3 का स्क्वायर 9 और 9 - 9 इज 0. तो ये तो करेक्ट है भाई स्टेटमेंट, इसको रॉन्ग हम नहीं बोल सकते. सेकंड क्या है हमारे पास, k अगर माइनस 1 हो तो द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस k 4x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 विल बी 0 इक्वल रूट्स. इसके सारी ही इक्वेशन में इक्वल रूट्स दिए हुए हैं, तो हमको इसी जो b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला है हमको इसी से चेक कर लेना है सारी इक्वेशंस, ठीक. तो सबसे पहले हम देखो इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को, क्योंकि हमको अंदर x का कोफिशियंट चाहिए. तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस 2,
इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो यहां पर b क्या है, b है हमारे पास 4k स्क्वायर, ठीक है, x का कोफिशियंट माइनस 4, x स्क्वायर का कोफिशियंट कुछ नहीं है यानी 1 है, और c हमारे पास क्या है, c हमारे पास पूरा है k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। ठीक है, k की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस 1, तो रख देंगे 4 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, माइनस एक ऑलरेडी है और एक माइनस अंदर भी रहेगा, माइनस 1 प्लस 2। ओके, सो दिस विल बी 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और 4 का स्क्वायर, ये पूरे पे है स्क्वायर, सो 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 4, ये अंदर हो जाएगा हमारे पास, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2। ओके, 16 माइनस 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 16 इज 0। सो हमारी सेकेंड जो इक्वेशन है वो भी करेक्ट है। थर्ड के लिए रूट्स चेक कर लेते हैं हम, k इक्वल्स टू 2, तो जो हमारी इक्वेशन है पहले उसका ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, माइनस 2x प्लस 3 टू ज 6xk या 6kx प्लस 7 3 ज 21 प्लस 7 2 ज 14k इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस, ओके, तो ये हमारे पास x वाली टर्म्स जो हैं वो हम एक साथ ले लेते हैं, 2x प्लस 6xk। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, हम इसको पूरा एक साथ ले लेंगे कॉमन, सो दिस विल बी 2 कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, सो दिस विल बी 1 प्लस 3k एंड दिस साइड 21 प्लस 14k, तो इसमें से भी हम 7 कॉमन ले लेते हैं, सो दिस विल बी 3 प्लस 2k इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास हो गया है b और ये हमारे पास हो गया है c पूरा। ठीक है, तो अब हम b स्क्वायर माइनस 4ac में रख लेते हैं, तो इसमें हम रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 1 प्लस 3 k, k की वैल्यू क्या दी हुई है हमको 2, तो इसको हम डायरेक्ट रख लेते हैं, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 3 प्लस 2 इंटू 2, k की वैल्यू हम फिर से रख देंगे। ठीक है, इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी माइनस 14 स्क्वायर एंड दिस साइड इट विल कम 196, सो माइनस 14 स्क्वायर इज 196, माइनस 196 इक्वल्स टू 0, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। सो डेफिनेटली जो हमारा डी ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमको निकालना था इनकरेक्ट, जब बाकी तीनों करेक्ट आ गए हैं तो डेफिनेटली डी जो है वो इनकरेक्ट ही होगा, सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था, सारा हमको सॉल्व करके देखना पड़ा और जो आंसर है वो हमको लास्ट में जाकर मिला। सो द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैंपल पेपर इज द पॉइंट ए माइनस 5 5 बी 1 माइनस 3 एंड सी 4 माइनस 3 आर शोन इन द फिगर। ठीक है, इस ये हमको फिगर दिया हुआ है, तो यहां पर जो पॉइंट्स हैं ए के वो हमको दिए हुए हैं माइनस 5 एंड 5, बी के जो पॉइंट्स हैं वो हमको दिए हुए हैं 1 एंड माइनस 3, और सी के जो पॉइंट्स हैं वो हमको दिए हुए हैं 4 एंड माइनस 3। ठीक है, तो अब हमको निकालना क्या क्या है, देखो ए बिट में हमको निकालना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट के मिड पॉइंट अगर हमको निकालना हो ए और सी के बीच का, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2। ठीक है, तो हमको ए सी का मिड पॉइंट निकालना है तो हमें ए और सी के ही कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे। ठीक, तो x1 यानी कि माइनस 5 प्लस x2 यानी कि 4 by 2, और y के लिए 5 प्लस y2 यानी कि माइनस 3 बाय 2, तो ये हमारे पास हो गया माइनस 1 बाय 2, और दूसरा हमारे पास हो गया माइनस 3 2 2 2 1, ओके माइनस 1 बाय 2 एंड 1,
ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ गया, ये हमारे पास आ गया है ए बिट का आंसर, ठीक है। अब बी में हमको क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला है, अभी हमने एक क्वेश्चन में और भी निकाली थी लेंथ, ओरिजिन से लेकर पॉइंट्स तक हमने लेंथ निकाली थी, राइट, एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर, लेकिन लेंथ हमको किसके निकालना है, ए बी की, तो अब हमको कोऑर्डिनेट्स किसके लेने पड़ेंगे, ए के और बी के, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर माइनस एक्स वन एक्स टू यानी कि वन, स्क्वायर नहीं लगाना है, वो स्क्वायर हमको पूरे पे लगाना है, ओके, एक्स टू यानी कि वन, एक्स वन यानी कि माइनस फाइव और पूरे का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई टू यानी कि माइनस थ्री माइनस वाई वन यानी कि फाइव का स्क्वायर, ठीक। सो ये देखो वन माइनस माइनस सिक्स, तो ये हो गया सिक्स का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, माइनस थ्री एट, तो ये हो गया माइनस एट का स्क्वायर, ठीक। सिक्स का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे नहीं लिखती हूँ मैं, इस तरफ लिख देती हूँ, सिक्स का स्क्वायर कितना होता है 36, एट का स्क्वायर माइनस का माइनस है तो स्क्वायर होने के बाद प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस एट प्लस 64, एट एट जा 64, 36 प्लस 64 इज 100, रूट अंडर रूट 100 किस क्या होता है 10, तो बी का आंसर हमको मिल गया है 10। तो कौन सा ऑप्शन है भाई जिसमें ए में माइनस वन टू वन हो पॉइंट्स और बी में 10 हो, दिस इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था सैंपल पेपर जो एसओएफ ने प्रोवाइड कराया था हमको, काफी सारे इजी क्वेश्चंस थे, एक दो क्वेश्चन थे जो लेंथी थे बट उतने डिफिकल्ट नहीं थे, तो प्रैक्टिस अगर आप करोगे अच्छे से तो डेफिनेटली आप ओलंपियाड को बहुत अच्छे से क्रैक कर लोगे, और उसके अलावा भी अगर आपको कुछ पॉइंट्स और ट्रिक्स चाहिए कि हम ओलंपियाड को कैसे क्रैक करें, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो आप उसको जाकर देखोगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सारे के सारे वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए जल्दी से, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्दी ही मिलेंगे, इस बार मैं ज्यादा देर नहीं करूंगी, तो बने रहिए मेरे साथ, एंड टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।